नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश की बघेली भाषा के एक बड़े कवि, और ऐसा कहा जा सकता है कि लगभग हजारों YouTube चैनल तथा और कई वेब चैनल TV चैनल के माध्यम से अपनी कविताओं का रसपान दर्शकों को कराने वाले बघेली के वरिष्ठ कवि कहा जा सकता है, रामलखन महगना जी हमारे साथ। तो आइए, आज इस कार्यक्रम में हम रामलखन महगना जी के जीवन यात्रा के साथ साथ उनकी काव्य यात्रा और उनके कर्म क्षेत्र के बारे में भी बातचीत करें। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी भैया, सब देखियन का हमार, राम राम। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो लंबी काव्य यात्रा है, आपके गुरु जी के बारे में बताया जाता है कि जो शंभु काकू थे, तो उन्होंने भरे मंच से आपको कहा था कि हाँ, यही एक ऐसा लड़का है जो आगे आने वाले समय में हमारी विरासत को आगे बढ़ाएगा। उस घटनाक्रम के बारे में, उस एक सुंदर यात्रा, सुंदर स्मरण के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते। जी अनुपम भाई, यह सही बात है कि हम शंभु काकू का अपन गुरु मानी थे, हृदय से मानी थे, उनका हम प्रणाम करी थे। अहूँ को अपन बघेली कविता लिखे के जो प्रेरणा मिली शुरुआत, तो हमका उनकर कविता मंच में सुने के बाद अपने छात्र जीवन में मन के बार में कब आए रहे, तो जब सुनन तो हमका बहुत निक लाग, और हमका ऐसा लाग कि मेरे के कविता का हमहूँ लिख सके थे, अंदर कविता के बीज पड़ा रहा। लेकिन वह समय के साथ, हम जब 8वां पढ़त रहन, वह समय हमारे पिताजी के बड़े भाई दादा कहते रहे, उनका स्वर्गवास व भागवत सुनत सुनत, तो उनके जीवनी के बारे में जैसा उनका अंतकाल भा, जब मेरे भागवत सुनत सुनत मृत्यु है, तो हम पहली रचना 125 दोहा में करंत है अपने दादा के यादगार में, और न वो बघेली में रही न हिंदी में रही, वह शुरुआत दौरा तो ऐसे टूट फूट। लेकिन वह कविता लिखे के बाद जब हम अपने दाऊ का पिताजी का सुना, तो बहुत खुशी भी, जंगल विभाग में नौकरी करत रहे, तो उस समय मझौली चाक घाटियां 70 रह चुके, तो जब हमार वो दोहा सुने तो हमार मने बड़ा सम्मान बहुत माने लगे, बड़ा लार प्यार दुलार, और ये प्रशंसा के कहाँ से कुदरत माता सरस्वती की कृपा है, यह सब चीज प्रशंसा करी। तब हमका ऐसा लगा कि मैंने पिताजी के आशीर्वाद मिला, वो दादाजी लिखन उनका आशीर्वाद मिला। बीच में हम माता भगवती देवी काली माता के साधना करे लागे, अपने गांव में कुल देवी रही, और उनकर साधना करत करत अनुपम जी, हमको ये तो नहीं मालूम कि कब उनकर ऐसा प्रेरणा भय, तो हम माता काली के जीव काट के चढ़ा दी हम, तो या मालूम होती उनकर आशीर्वाद मिला। एक बघेली में हम 2003-04 माँ रचना लिखब चालू करें, तो पहली रचना इतने प्रयागराज के उस समय कुंभ के मेला रहा है, और मेला कई के लौटन, वह मेला के पूरा चित्रण अपने बघेली कविता में कई के आन, रायपुर जनपद में 26 जनवरी का कार्यक्रम होता रहा है, वह कविता का हुआ फुनान, तो बहुत लोग हंसिन, बहुत मजा आई सबको बघेली महास। आकाशवाणी के एक जन अधिकारी रहा तो सुनिन, तो कहें दादू काली आज ही हुआ आकाशवाणी हम देखा प्रसारण करवा दी, तो बड़ी खुशी है, मैंने सुनबा करी दूसरे दूसरे के, उस समय तो हम कल के हमारी यह प्रसारण हुई, और एक बड़ी नई बात यह हमारे खातिर रहा, फोन ऑन के समय उस समय 2003 तक न रहा, बहुत ही कम लोगन के पास रहा, ज्ञान हुआ एड्रेस लिख के दिए रहा उनके पास मिलन, उस समय एक अधिकारी उम्र रहे रामपाल पांडे जी आकाशवाणी माँ, उनका हुआ चिटुहा भेज दी, उनके लगे जब गयन तो हमार कविता दिखीन, और दिखे के बाद 4-5 जगह काट दीन, गलत काट दीन, तो हम कहन एमा गुरुदेव हमका बताई कहाँ गलती है, तो ये कहें कि का एंठे या खड़ी बोली आवा लागी, तो का एंठे बघेली या शब्द ना बन जाई, हम कहन बिल्कुल बन जाई, तो कहें बस एमा यह फुधार करे है कि जहाँ जहाँ खड़ी बोली हो ओखा बघेली में करे के, अब यहाँ बघेली कविता लीन जाती, खड़ी बोली बिल्कुल रिजेक्ट कर दीन जाती। जब वो हमका ये मेरे बताई, तो हम दफा मिनट के अंदर हुए बैठे बैठे ओखा हम सब सुधार दी, हम फिर लाइक गैन कहें कि ठीक है, पहले प्रफारण आए तो मत कोनो मान दे न मिली, एक है बे फ्री में प्रफारण करावे पड़ी, तब हमका ना पता रहा है कि माने मान दे वो मिलत है, हमका तो यह रहा कि हो गया हमार प्रफारण हो जाए, हमका बड़ी खुशी रहा कि माने लोग सुनी और कहीं कि उनकर कविता है, और हम का करंत एक थे हम अपन चलाकी कहे चाहिए उमर ये करंत है कि हम कविता के अंतिम में राम लखन सिंह बघेल महागना जरूर डाल दीन है अंतिम में, कि जब कहाँ ले सुना तो ये जाना क्यों नहीं कि कविता है महागना वाले इनके,
और फिर ओंठ से हमारा आदत पड़ गई हर कविता में जौने कविता लिखी तंतिम राम लखन सिंह महागना हुआ कहीं राम लखन बाघेल महागना हमारे सब कविता मैया रही। तो मैंने यह नाव और गांव से लोग बहुत परिचित हो गए आकाशवाणी से सुनत सुने के बाद धीरे धीरे अब रेडियो के एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा उस समय रेडियो लोग सुनता रहे अब आइए टीवी के आगे रेडियो हैरान जाता बहुत कम घरन महा तो वो बहुत दूर दूर तक लोग बाग अब जहाँ कहाँ हम जाई तो लोग या कहाँ जब बताई कि हम महगना के कहीं अपना के गांव में एक जन राम लखन सिंह बाजा मगावा था तो कही भैया हम ही नहीं आए राम तो माने इलाक के लोग एक खूब सुनल लागन तो माने अपने अंदर बहुत बड़ी खुशी भई एक अब धीरे धीरे एक युग आवा 2007-08 से जल्दी लोग बाग मंच में बुलावे लागे थोका हमारे यहाँ अठे कार्यक्रम है स्कूल में आ जाब अपना तो कहा चाहिए उस समय हम अकेले नहीं वो जो कवियन की टीम रही वो नहीं हम अकेले जावा करिए 2-3 घंटा खूब कविता रटी रही अपन 10-15 घंटे तो जई तो माई को मंच में लेके 2-3 घंटा लोगन के खूब हंसाई केव के स्कूल में वार्षिकोत्सव में केव अपने कौनो फंक्शन कह रहा ओनहू ओ बला मा करा ए मेर जाय जाय के या फैलान फिर धीरे धीरे बहुत कुछ लड़का तैयार भी हमार सहयोगी जो उनकी थोड़ थोड़ बघेली लिखत रहा हमसे मिले और ओनहुन का हम धीरे धीरे वही मंचन में जब हमका बलामा तो साथ में ओनहुन के ले जाब चालू कर दी नए लड़कन में बहुत हाँ जेखब अपना पंचे काफी सुनता है आज के नए दौर में पहले वाले के पुराने एक दौर रहा है भाई नवा दौर जते हैं तो लड़का सब जाना था और वह सम्मान करा था कि उनका सबका हम लेके मंच में आगे बढ़ान और मंच बराबर सबका हम देते अब आज के समय में धीरे धीरे यह एक फैशन से बन गया है कवि सम्मेलन हो चाहे कुछ काम करा भागवत सुनो समापन हो कवि सम्मेलन माने सब में कार्यक्रम होता है चाहे बरुआ करा चाहे तिलक करा वो कहता कि हमारे हम पंचे चाहे थे ऑर्केस्ट्रा न कराओ अपना पंचे दो चार जना दी बढ़िया आनंद आ जाते ठहाका लगवाओ तो अब धीरे धीरे हमारे बघेली बोली पूरे बिंध मा हर जगह इतनी लोकप्रिय हो गए कि लोग बुलावत और सुना था बड़े प्रेम से खूब तारी बजावत था हूँ पंचन का अच्छा लागत है यह लागत है कि हमारे बघेली बोली सम्मानित हो लागी लोग एक स्थान दे रहे हैं। और प्रारंभिक दौर में जैसा कि आपने बताया कि आप खुद की रचनाएं लेकर के अकेले ही मंचों पे जाया करते थे उसके बाद आपने कई सारे बच्चों को भी तैयार किया एक महागुरु की श्रेणी में भी कहीं ना कहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि लगभग 20 से 25 लोगों को आपने तैयार किया है और काफी सम्मान के साथ आपका नाम वो मंच पे जाकर के लेते हैं कि महगना जी के द्वारा बनाए गए हम लोग हैं और जो उन्होंने काफी अच्छा काम किया हम लोगों के लिए। तो आज जब एक किसी भी कवि सम्मेलन में जाते हैं आपके शिष्यों के द्वारा भी जो है तो प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं एक बेहतर जो है तो आयाम मिल रहा है बघेली को तो कैसा महसूस करते हैं जी? बहुत अच्छा लागत है हम ये चाहे थे कि बल्कि जो लड़का तैयार हुए हैं तो वो अच्छा काम करा हम उसे अच्छा काम करा और जब अच्छा काम करा था तो बड़ी खुशी होती माने खूब लोग ताली बजवावा था श्रोतन से और आजकल एक दौर हो चुका है कि मतलब थोड़ा कहो न कहो जैसे अच्छा भोजन में थोकर चटनी रहा थी तो स्वाद बदल जाता है तो इससे कविता के बीच में आजकल चुटकुल्ला आवा है जोक के माध्यम से तो वह ज्यादा नहीं रखा अत्ता ठीक है कि केवल 2-3 मिनट के हर कवि जो ना तो थोड़ा एक माहौल बनावे खातिर जोक रखा था अभी जोक जितने सब कहा आपन आपन एक अलग नवा नवा ढूंढत रहा था तैयार करत रहा था और मंचन में देते तो लोगन का मजा आवा थी और नई नई रचना लिखत रहा था बीच बीच में तो इनमें एक थे बड़ा नाम अबा वर्तमान में हमारे रीवा से एक नया लड़का उनका तो बहुत तो नहीं बीच में एक आए एक अमित शुक्ला हमारे ग्रुप में रहा था बहुत बढ़िया बेहतरीन संचालन करा था हालांकि वो थोड़ा जोक चुटकुल्ला के माध्यम से संचालन हर बड़े कवि करा था तैसे वो करा था लेकिन कहा कि ढंग अपन अपन अलग शैली है उमेश लखन भाई हो गए ये शुरुआती दौर मंच में ले आज बहुत अच्छा काम करा लागा वो तो अपन 3-5 चैनल और बना ली नहीं और एक साथ साथ उनका लिखे के एक तरीका जो है व्यंग बहुत बढ़िया सटीक लिखा था और कामता माखन हा व्यंग के माध्यम से मतलब हास्य बढ़िया अपने एक अलग तरीका है उनका हास्य निकाला था मंचन में विकास भरद्वाज हो गए एक अलबेला जी हो गए भूपदर अलबेला हाँ उमाकांत परिचित अपना के चाक घाट के बहुत बढ़िया श्रृंगार में लिख रहे हैं वर्तमान में एक कवित्री बीच में आई प्रीति शर्मा परी शिवराजपुर से कुछ समय साल 2 साल मंच में दी नहीं समय थोड़ा बीच में परिस्थिति रही एक बच्ची भी है उनके तो 2 साल से मंच में नहीं जाती लगी लेकिन बघेली वो बहुत बढ़िया लिखती है और प्रस्तुति बहुत अच्छी है आशीष तिवारी निर्मल हाँ और
हमारे समकक्ष में राजकुमार शर्मा राज हम और राज्य दुई जन कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा मंचन में गए हैं। जब हमका मने जरूरत पड़े तो राज्य के कह दी तू संचालन कर हम कविता पढ़ी एक आध जन के और सहारा ले ली। और शुरू में हमारे ब्रिजेश भाई ब्रिजेश सरल ही रायपुर रोड के यहीं तो ये बहुत साथ देते रहे। हमारे ब्रिजेश भाई के एक दौर रहा कि माने दो चार साल हमारे पंचन के लगातार जब राजकुमार शर्मा राज ब्रिजेश भाई हमारे पंचन के अब अगुवाई उस समय कुछ मंच के मने निहारे रहा करी कि सी एन पी मंच में बोलामा दे राम नरेश तिवारी शांति दूत इनकर पंचन के एक समय रहा कि जो ज्यादातर मंच एक पीढ़ी दो पीढ़ी हमसे पांच से आगे रहा ती देखी बड़े मुश्किल में मंच मिलवा करे उनके पंचन के बीच में जाई तो वही छटपटाई शुरू में हमहू पंचे की जो हमका दो मिनट दे दे टाइम तो हमहू बोल ली। लेकिन शंभू काकू हमारे जी गुरु आई वह जो उन्हें घटना का अपना याद दीवान के उनके प्रति अपना का महसूस करी थी उनका आशीर्वाद जो मिला एक कवि सम्मेलन में शंभू काकू अध्यक्ष रहा उनका लास्ट में पढ़ावे के समय मिला। अब हमका जब पढ़ावागा तो हमका मात्र एक कविता के खातिर दो मिनट का समय शुरू में दीन गा रहा हम पढ़ के बैठ गए। जब शंभू काकू का समय मिला लास्ट में अध्यक्ष कविता पाठ करेगी इस सौठा के मंच में सब रीवा के वरिष्ठ कवि वहां बैठ रहा तब उस समय मंच से यह कहें कि ये लड़का जो कम समय अब कविता पढ़े के अनखा दिन गा है हम ये अपन समय यही लड़का के दे लाग है कि ये कुछ और कविता हम सुने चाही थे उनसे बघेली और ये मन पर फोर कविता पढ़ा हमारे आदेश इनकर हम सुने चाही और ए लड़का से हमका एक आवे वाले भविष्य में बड़ी उम्मीद है कि हम ती माने रहन के हमारे बाद बघेली के उत्तराधिकारी के हुई और यह बघेली के संरक्षित करी पर अब हमारी यह सुनने के बाद हमारी जीवनी सोच होगा कि यह लड़का से हमको बड़ी उम्मीद थी कि हमारे बघेली के कुछ आगे तक ले जाए जो उन बघेली के लिखाई के पढ़ाई के शैली है तो यह आशीर्वाद ओ मंच से सोठा हमका शंभू काकू गुरु जी के मिला रहा। तो हम मानी थे कि गुरु ईश्वर के आशीर्वाद तो फलीभूत होते अनुपम जी और वह आशीर्वाद हम मानी थे कि मिला है और माता भगवती के आशीर्वाद तो अपने ठेठ बघेली बोलिन माँ उन शब्दन के प्रयोग करी थे कोशिश करी थे कि जौन बघेली शब्द हमारे हैरान अफजाल लगा उन शब्द का बहुत कम लोग बोलचाल की भाषा में ले आवा था वही बघेली शब्दन का हम ज्यादा से ज्यादा अपने कविता में ले आके रखा करी। और आपकी कई सारी कविताएं दर्शकों ने सुनी है यूट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट कवि सम्मेलनों के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से सुनी है। आपके जीवन की जो पहले मंच की कविता रही हो उससे काफी अच्छे अनुभव हुए होंगे कुछ सीखने को भी मिला होगा उस कविता के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। जरूर अनुपम जी वो जो पहली कविता बताएं कि उस गंगा जी के मेला पर हम लिखे रहे हैं कविता तो बहुत पुरान हो गया वही का कही तो हम सुनाई अपना जी बिल्कुल। आसव माघ अमावस काही हूँ गंगा जी गए रहन आसव माघ अमावस काही हूँ गंगा जी गए रहन और दल दल कांपत फीत लहरी म खाफा डुबकी दिहे रहन फूल ऐ पच के सांस ऊपर का रहा म घौटा तोरा फेरव जीव मसोस के जबरन हेरन झंडी झोरा तबा तबेलिया डच की चिमटा नोन बरी के गठरी और लकड़ी कंडा बोरिया बिस्तर बांधन कमरव कथरी अब घर के पास पड़ोसिन जैसे जानिन मोर तैयारी त डेरा डप्पल हाबुस हाबुस बांधिन गठर भारी अब एक दुई चली मेहरियव साथ हम एक दुई चली मेहरियव साथ हम एकदम निरागमईहीं अब काजर करीम लपेटिक थोपिन जैसे होइन मईहीं अपने फात फसुर का लीनहिन या फी बरीफ के फारकाट और हमारे फात चलाय के खातिर करिन तैयारी चटपट बुढ़ाऊ के नत पुताऊ दूनों कुरबम लीनहीं लड़का और बड़ी दाई भाई मन में फोचन होई गे झवन खरिका लुबुक तुबुक धई के मूड़ में आन लारी खाना और लेहड़ माँ पुण्यट रही हम बाकी रह जनाना खाफा दोमच हुमस के लारी भरिंत जैसे बूफा अब पत्ती पफली भुरकुन हो गए ठोफिन दई दई हूसा रुकई के जागा मिल गई ठहर हुआ रुकई के जागा मिल गई ठहर थे भल मानुष पंडा और फेरी लगन पेड़ धन धन माही डार के चूल्हम कंडा वो दोनों मेहरिये पफर रही उन दोनों मेहरिये पफर रही जब लैला लड़का बच्चा तडज किमरी इंधे लागन हम महीन भात बनाया था कच्चा मरभुका टूट पड़े तय बुढ़ाऊ हुमर फिदिहीन एक टाठी पचबई खातिर टहलै लागे लैके हाथम लाठी पैतन्नान पेड़ जब चढ़ा रातिमा
तन्नान पेट जब चढ़ा रातिमा उठ बैठे भीम फारे और लई के लोटा जय फैनी एकदम रोड किनारे एक ठे चरमोट मनई दौड़ा एक ठे चरमोट मनई दौड़ा लई के खाफा फोटा और कछनी पकड़ के भागे बपुरू छोड़ के आपन लोटा गिरत परत गोड्डात पहुँच गए अहिमक थर थर काँपें और नींद खुली त देखन हालत कुकुरम फाही हाँफें सब वृदंति बतावई लागे बांध लिहिन जब कछनी अरे कहिन के दादू पाय जा जो पकड़ के कई दे चटनी लेमन माही पर जुपावत हुआ डेढ़ हथा डंडा तीरथ बरत ऊपर का हुई जाय पड़ी जोखे फंदा मान ली लोहरी फट गई भाभी हाँ सब लई लई ओन्हा लत्ता प्रयागराज के संगम काही रेंग चलन तय रफ्ता कुहमारी जनता जरर बीत गए देख के तब चौआनन और बुढ़ाऊ का नहबाबे खातिर फोच फोच घबरानन वह कैयो नौवा मूड़ पकड़ के खासा घोटिम घोटा और नंग धड़ंगे बागे साधु पहरे एक लगोटा यह तमाफा देखम फत्तर घूमन बागन मेला और बुढ़ाऊ मूड़ घोटाए लिहिन तय जैसे गुड़ के भेला वह माइक बोले चौंगा बाजे मनाइन कै फहल्ला जे बहु कटिका कुछ बपुरन के होइगे नंग धड़ल्ला तब तवेलिया डच की चिमटा कुछ जन हुआ गमाइन और घरे वाए ता बीबी जी से चाठ दऊचा पाइन भैया हों तिफरे दिना चलन जब घर का काबिर तंति बताई सीट के खातिर लारी उमाही हो गई खूब लड़ाई एक तो बिचारे रिमह आही भिड़गन रिमह रिमह अगल बगल के पुचका दई दई और लड़ा बैचा खड़े खड़े पे चाक घाट तक हम कैसौ के आयन एथे के छरब करब चालू हो लारी खड़ा करायन आगे पीछे दाएं बालन के है परा छिटिक्का हमारे पैंट में जैसे परिगा हुमफ दिहन एक मुक्का घुमाए के हाथ दिहन कनबोज मल पर झांझर होइगा गंगा मैया कुछ न बोली तीरथ बरत ऊपर का होइगा घरे आंता झोरा रखन खटिया माही गिरन उतान दिखन मुड़ोफिन पेनियाऊ कागज कविता लिख के करन बिहान तराम लखन सिंह नाव हमार है गांव महागना है बघेलान हसब न अपना पंचे के ऊ लिखन पुथन्ना जीव नहीं मान हसब न अपना पंचे के ऊ लिखन पुथन्ना जीव नहीं मान बघेले में कभी ताएं अपने लिखी हैं और कहीं ना कहीं हमने हिंदी साहित्य में तो यात्रा वितरांत देखे हैं लेकिन बघेली साहित्य की बात अगर करें यात्रा वृत्तांत की बात करें व्यंग की रचनाएं भी आपने काफ़ी सारी लिखी हैं हास्य से जुड़े हुए एक कवि हैं तो बघेली में यात्रा वृत्तांत लिखने का ख्याल कैसे आप अपने साथ जौन घटना होती रही जैसे कौनों यात्रा में गए और कुछ ऐसा कुछ हटपटा टाइप के अपने बीच में जैसे प्रयागराज के मेलम बताए थे कुछ घटना सही सही भई रही अब ऐसे जौन एक यात्रा है अपने ससुराल की यात्रा ओहू में जब गए तो कुछ ऐसा घटना तो भय और जौन घटना भय तो बिल्कुल वो सही सही घटना का अपने कविता में हम डाले की कोशिश करें हैं और ज़्यादातर हमारे साथ का ही सबके साथ घटना होत रहती हैं लेकिन अब एक कलमकार के साथ अगर कौनों घटना घटी तो फिर तो रहा ही ना पड़ी ओखा लागी कि हम अपने शब्दन रेखा लोगन तक पहुँचाई तो वह मेरे से हम लिखत रहे अभी अपने ससुराल की यात्रा वितरांत की बात की वो काफ़ी प्रचलित रचना है और काफ़ी मंचों से भी लोग के द्वारा सुनी गई है सराही गई है उसी रचना को हम कार्यक्रम के अंत में आपसे सुनना चाहेंगे जब हमारे दाढ़ी मेछा आवत तब खासा सड़ियाई गैन जब हमारे दाढ़ी मेछा आवत तब खासा सड़ियाई गैन और दफन मनौती की इन्हें तब अरियतन जोड़ी पाई गैन पर जेखर बहुत ही अच्छी कन्नी हमारी कफजोड़ी पावा था और नहीं तो कत्ते डामर कसपुतियान घरे ले आवा था पया गे तयन भैया जब चल दी इन्हीं ले मलकिनिया का तब फफक के रो बैला गन जाई फै लड़का रो भाई कन्या का मुँह पेरुआ का फलटका लिया मुँह पेरुआ का फलटका लिहन यो जात में देख ठड़े रहन अभी तरे खाए पटाऊ दौड़े भूखे दिन भर पड़े रहन पै कुछ दिन मन मफोस के जबरन घरमा समय बिताए लिहन अब मगर ओहन उखरे के पहले फफुरारी कई सौहा लिहन फलट पैंट मा दाब लिहन
फलट पैंट में दाब ली हन करिहा में बिलट कसाय ली हन अवतर के फूहा काने में गलुआ में पान चपाय ली हन दाढ़ी उखाफा चिकनाय ली हन हिप्पी और बाल कटाय ली हन घड़ी अंगूठी माला पहरन काला चश्मा हिलगा ली हन तब फज बज के फफुरार चलन तक एक पौआ चपका ली हन पर भामर पड़ते सारी फरहर ऐसन मोह फसौती हन भामर पड़ते सारी फरहर ऐसन मोह फफौती हाँ कि दादा दीदी हरे सब भी फरह हफी हफी जी लहरौती हाँ पहले पहल गैन तय हमहू फरमाते फफुरारी ओ दिन कबो नबी फराई हम का गेरिम फरहरी फारी कहीं फलनिया के घर वाले आए कहीं फलनिया के घर वाले आए खुफुर फुफुर भा भीतरे और नई नबेली झाके लागी सबके मरण के अतरे और जीजा कही कही कराई न मत्ते जीजा कही कही कराई न मत्ते आँखी भाव चमकामा एक दुई बीर कराई ठिठोली हफी हफी जीव जुड़वामा पैसे आन रहा है तला जाओ लागे सयान रहा ता लाजव लागे कत्तव करी चलाकी पर हमारा वाखी रहा भीतर भर घर वाली का झांकी बड़ी बड़ी आमन कस फाकी आँखी थोप का जर्रा और गोर गोर गलवन कहीं निकर खासा मार बिदुर्रा पर हमारा पोज बिगड़ गई थोका हमारा पोज बिगड़ गई थोका एड़ी ता घस के चले रहन अच्छा कर बरा पत्थरा मट्टी नखरों में घंटन मले रहन अब अत्ते उमा चिकना नहीं अत्ते उमा चिकना नहीं ओ फेंक करी कस फटी रहा है और मछली बफारी देख ली तब से दूरी हटी रहा है पर रहा है मानदान के अलगई जलवा सब जगह पौबारा मर मजा के अब हफी ठिठोलिन माँ कट जाए दिन फारा अब मेर मेर के सालन तीमन खाफा बड़े मुगौरा अब इधर हर रिकमा जी और अफाज खुद छानी मत कोरौरा दारी भात यो कढ़ी फुलौरी बगजा यो तरकारी मेर मेर के खोरबा रखा यो सनिया के झारी पहले लोटिया जब चार छबेर की दिन मा भागे लागन तब राम लखन सिंह लेके झोरा घर कई पेल पर आनन। ये आपकी यात्रा वितरांत थी ससुराल को लेकर के जो दर्शकों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद की जाती है। और एक सवाल आज लिखने वाले युवाओं को लेकर के है, आपके समय की बात करें, आपसे पहले की समय की बात करें और वर्तमान समय की बात करें, तो लेखने को लेकर के एक जो बड़ा सवाल होता है वो सवाल कहीं ना कहीं साहित्य में अश्लीलता को लेकर के है। जो युवाओं के द्वारा लिखा जा रहा है उस साहित्य को लेकर के जो वरिष्ठ कवि हैं उनके द्वारा कई बार सवाल उठाए जाते हैं उनकी साहित्य लेखन की विधा को लेकर के अश्लीलता साहित्य में बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं, तो इस बात को लेकर के युवा लेखकों से युवा रचनाकारों से आपका क्या कहना है? बिल्कुल बात सही कही लागे अनुपम जी। कबो कबो कौनों नए कवि के अगर रचना सुने नहीं हैं और एक एक अगर वो मंच मदाई दे था तो पूरे मंच का शर्मिंदित थोड़ा हो पड़त है। और यह अक्सर हमारे साथ जब टीम में केव जात हाँ रास्ते में हम यह बात सबका थोड़ा नसीहत देवा करी थे कि देखा जा ध्यान रखे कहे और माने वो मंच में थोड़ा फुहरता से दूर रहे कहे और जेखर जौन कविता रहती हैं तो कविताओं में कह देती कि भाई यह चीज़ का थोड़ा हुआ नहीं कहे का यह चीज़ में थोड़ा अपने आपका बचावे कहे। देखी कबो कबो ऐसा होत करत है कि बापो लड़िका महतारी बिटिया सब लोग बैठ रहा था, लोग जोक मारिन हास्य निकारिन और हास्य के कारण थोड़ा फलीता फूहड़ा पंदहीन तो लोगन का हम लोग तो ठीक है दे लागे लेकिन उनके अंदर का बीतत हुई जो उनके बाप और लड़का दोनों बैठ रहा था सामने हुआ चीज़ का हमका पंचन का समझे चाहिए और एम अपने आपका थोड़ा संयम रखे चाहिए लेखनी में। और अश्लीलता का अगर हम कहते श्रृंगार की बात कहते तो वह एक पर्दा में रख के कही और थोड़ा वह बात के हम तरीके से ही मर्यादित कही तो वह ओखर आनंद लोग ले था पर थोड़ा मर्यादित रह थी तो ओखर आनंद ले ही अपने आप का बचत होती लोग को अंगुली नहीं उठा बता ही उन चीज़ में नहीं तो अगर डायरेक्ट अगर कोनो चीज़ का थोड़ा
फूहड़पन और अश्लीलता के साथ कहा जाए तो लोग बाग फिर मने नाम नेट के दोबारा के कह लेंगे कि भैया वह कवि का तो बिल्कुल नहीं ले आवे का है, माने बाइकाट करिए आप ऐसे लोगों को। तो ऐसे सब लोग बचा था। अब ऐसा खास तौर पर अपने बीच में जो हमारे टीम में लोग हाँ अब नहीं आई लगभग मेयर के लोग के वो खास सब मर्यादित और संयमित हो गए। लेखन की विधा में अपनी मर्यादा और अपनी संस्कृति को बचा के रखना ही महत्वपूर्ण काम है। आपने हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण समय दिया और हमारे दर्शकों को रचनाएं सुनाई, इसके लिए द खबरदार न्यूज आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता है। दर्शकों को आप संदेश क्या देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, अंत में चार लाइन? हम यह चाहब कि हमारी यह बघेली बोली बहुत आगे बढ़ल लागी और हम एक चार लाइन के छंद से बात समाप्त करब के बिंध के रे अंचल के गोदी से बघेली अब निकली के चली है सिंगार का फजाई के बिंध के रे अंचल के गोदी से बघेली अब निकली के चली है सिंगार का फजाई के रफ छंद अलंकार भरे उपखानी माही लागती बघेली मोर चली है नहाई के माटी के रे बोली ई बघेली काही देखी थब खोरी गली कढ़े जहाँ जाई महकाई के अब बोले म मिठासी हब फून म पियारी पर देश म मिले जो लागे ले छुपकाई के बोले म मिठासी हब फून म पियारी पर देश म मिले जो लागे ले छुपकाई के। यही सन हमार प्रिय बोली भाषा है। तो हम यह अपने खास तौर पर बघेल खंड के लोगों से यह चाहब कि यह आपस में जब बघेली के लोग रहा चाहे प्रदेश में हो चाहे दूर देश में कहाँ हो, लेकिन अपने बिंध के लोग आपस में मिला तो बोल चाल के भाषा में हम अपने बघेली बोली में बात करा बघेली में वार्तालाप, तो एकर बघेली बोली के असली सम्मान तब हुई जब ओमा कौनो शर्मिंदा बोले में लोग बात न करा कि हमारे में सम्मान नीचे होते। बघेली बोले से सम्मान नहीं, बघेली बोले से आपन सम्मान न बढ़त है। काहे बिंध में जौन बड़े बड़े नेता रहे, बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं, महाराजा मार्तन सिंह, दाऊ अर्जुन सिंह, इन सब लोग मंचन में जौन है तो हमेशा अपने बघेली बोली भाषा के प्रयोग करते रहे। बघेली बोली में काम तो हो ही रहा है, हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं जितना हमारे शक्ति चल लगी भरसक हम हूँ प्रयास करी थे कि बघेली में अधिक से अधिक काम करी हम अपने बिंद में। बहुत अच्छा लाग अनुपम अनूप जी जय जबलपुर में द खबरदार न्यूज के आप एंकर हैं, इनसे इनके द खबरदार न्यूज चैनल का हम बहुत बहुत शुभकामना दी थी कि यह चैनल बहुत आगे बढ़े। अब सब लोग अपना पंचेखा देखी एका प्रोत्साहित करी हमारे अनुपम अनूप जी बहुत लड़कबा हाँ, लेकिन इनकर विचार बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत आगे हैं जौन के यह हमारे बघेली बोली के प्रति अति रुचि रखे हैं और ये पर अपना काम कर लाग है। पूरे बिंध के कवियन से ढूंढ ढूंढ मिल मिल उनकर इंटरव्यू लेके उनके रचनन का आगे बढ़ाई लग है। एक ही खातिर अपना के न्यूज चैनल द खबरदार न्यूज का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रामलखन महगना जी। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।